अस्सलाम वालेकुम तसर आफ्ताब नासर जी स्टूडेंट में क्वेश्चन नंबर 7 है 6.3 का। हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन में क्वेश्चन दिया गया है, हमने इसको डेसिमल फॉर्म के अंदर लेकर जाना है। तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। जब हमारे पास ये देखिए 1.345 मल्टीप्लाई 10^-5, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो यहाँ पर -5 से मुराद है कि ये जो पॉइंट है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर रहा है। पॉइंट इधर पड़ा है तो -5 से मुराद 5 और मज़ीद पीछे जाएगा। अगर इधर +5 होता तो ये पॉइंट जो है वो 5 आगे लेकर जाते। अब माइनस की डायरेक्शन है वो उसकी जो माइनस जो लगाई गई हो अगर माइनस पावर में आ जाए तो वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब डायरेक्शन तो इसकी पॉइंट की इधर आगे जाने की थी, जब माइनस की पावर आ गई तो वो पीछे जाएगा। अब यहाँ पर देखें पॉइंट इधर पड़ा है तो 0.5 मज़ीद पीछे जाना चाहता है। तो यहाँ पर देखें हम लिख लेते हैं पहले 5, 4, 3। अब पॉइंट इधर से इधर गया, एक तो 1 पहले पड़ा है, इधर से इधर आ गया, फिर 2, 3, 4, 5 इधर आ गया पॉइंट, ठीक हो गया। अब 5 इधर पीछे आया तो हम इधर पॉइंट इधर लगा देंगे, साथ खूबसूरती के लिए 0 लगा देते हैं। तो यही इसका आंसर आएगा। अब ये चीज़ जहन में रखनी है कि जब पावर जो है वो नेगेटिव हो तो पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा, अगर पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। ये दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।